दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई और आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। जैसा कि मैं हर बार जब भी चैनल के स्क्रीन पर आता हूं तब आपके सामने एक नए विषय को और एक नए सब्जेक्ट को लेकर आपके सामने आता हूं। जैसा कि हमने पिछले 10 तारीख को एक न्यूज की थी जिसमें हमने कहा था गोंदिया डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के बीमा के जो किसानों का जो बीमा निकाला जाता है फसलों का, उसके घोटाले की हमने खबर विस्तृत तौर पर आपको दिखाई थी। उसी खबर की जब हमने पड़ताल की तो बीमा जो घोटाला जो था, इस घोटाले की परतें खुलती गई। जैसा कि जब हमने इस पूरे मामले की पड़ताल की तो हमें पता चला कि बैंक की ओर से जो बीमा निकाला जाता है किसानों का, वह किसी एक निजी कंपनी की ओर से निकाला जाता है और निजी कंपनी जब उसका मुआवजा देती है तो सीधे तौर पर वो किसानों के खातों में पहुंचा जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो बीमे का घोटाला इस बैंक में हुआ था, वह घोटाले की परतें जब हमने खोली है तो उसमें यह साफ तौर पर जाहिर हो गया कि जो बीमे की जो रकम है वो सीधे तौर पर बैंक के जो अकाउंट होते हैं उनमें किसानों के खाते में पहुंचा दी जाती है। जैसा कि बीमा जो निकाला जाता है, बैंक ने अपनी ओर से बीमा नहीं निकाला जाता, बैंक के माध्यम से वो बीमा होता है और जो उसको जो बीमा निकालने वाली कंपनी है वो कंपनी सीधे तौर पर बीमे की जो रकम होती है, बीमे का जो मुआवजा होता है वो किसानों के खातों पर दिया जाता है। इस पूरे मामले में जैसा हमने जब पड़ताल की तो बीमे का जो घोटाला था वो सीधे तौर पर घोटाला कहीं भी नजर नहीं आया, लेकिन इसमें एक ये सामने खुलासा हुआ कि जो बीमे की जो रकम है वो किसानों के सीधे तौर पर खातों में दी जा रही है। और इस पूरे मामले में संचालक और जो उस संस्था के अध्यक्ष होते हैं, इसका वो बीमे की जो रकम होती है या बीमे के साथ कोई भी ताल्लुकात नहीं होता, यह उसमें देखने में आया है। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का, ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज लाइव के साथ।